यूपी के प्रतापगढ़ में रिश्तों को कलंकित कर देने वाला एक बेहद ही खौफनाक घटना सामने आई है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कि रिश्तों को बनाने और संवारने में उम्र निकल जाती है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनको मिटाने में जरा सी भी परवाह नहीं करते। ऐसी ही रिश्तों को पल भर में मिटा देने वाली एक घटना प्रतापगढ़ में घटित हुई है, जहां पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। और हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी पति ने पहले से ही कब्र खुदवा रखी थी। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिश्तों को पल भर में मिटा देने वाली इस खौफनाक घटना से पर्दा उठाया। पुलिस का कहना है कि मृतका की मां को अंदेशा था कि मृतका की उसके पति ने ही हत्या कर शव को दफना दिया है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और शव को बरामद किया। काशीराम कॉलोनी की रहने वाली साइना बानी जो है वो लगभग 15 दिन पूर्व से अपने घर से निकली थी, उसका पता नहीं चला। तो उनकी माँ द्वारा तहरीर की गई, जिस पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करके उसके बारे में पता करना प्रारंभ किया, तो पता चला कि उसको किसी ने हत्या करके उसको चिल्ला शमशान करके दफना दिया। और उसकी माँ के द्वारा जो अंदेशा जताया गया था कि उसके पति द्वारा ही हत्या की तारीफ की गई है, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने प्रयास किया और उसके पति सलमान और उसका साथी रुस्तम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आगे कहा कि सलमान को गुजारे के लिए मृतका को कुछ रुपए देने होते थे, जिसके लिए उसने उसको बुलाकर ऑटो में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पहले से ही खुदी कब्र में दफना दिया। उनकी गिरफ्तारी के उपरांत ये ज्ञात हुआ कि सलमान को जो है उसे कुछ रिइंबर्समेंट के रूप में पैसे देने होते थे, जिनसे तंगा करके वो घटना की दिन उसको अपने साथ ऑटो में बिठा ला और ले जाकर के उसको अंधेरे में कहीं पे उसने गला दबा करके उसकी ऑटो में हत्या कर दी। और तत्पश्चात जो है पूर्व से उसने गड्ढा खुदवा रखा था, जहां पर ला करके उसे चिरबिला शमशान घाट पे दफना दिया गया। हम लोग उसमें बकायदा जिलाधिकारी महोदय से परमिशन लेकर के उसके शव को निकलवाया गया, पोस्टमार्टम कराया गया और इन लोगों को जो हमारे गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनका रिमांड प्राप्त कर दिया गया। बहरहाल हत्यारे पति और हत्या में शामिल उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना के अन्य कारणों का पर्दाफाश किया जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से केशव पांडे की रिपोर्ट।